हमारा टारगेट बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराना क्या है? बीजेपी हारेगी तब आएगी ना। मनीष भाई, आम आदमी पार्टी ऐसा बोलती थी कि हम फाइव स्टार कल्चर खलास करेंगे, तो अभी आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वही फाइव स्टार होटल में, तो फिर आगे आपकी रणनीति क्या होगी? जैसे सत्ता में पार्टी आएगी ऐसे फाइव स्टार कल्चर आपने भी आने? नहीं, फाइव स्टार होटल में बैठना कोई पाप नहीं है। जनता के टैक्स के पैसे पर फाइव स्टार होटल्स में बैठ के नेताओं का ऐश करना पाप है। जनता के पैसे की फाइव स्टार होटल्स में अपने बीवी बच्चों पर पार्टियां करना पाप है, और हम आज भी उसके खिलाफ हैं। और इसीलिए जो बजट दिल्ली में 30,000 करोड़ इकट्ठा होता था, आज 60,000 करोड़ रुपए ईमानदारी से इकट्ठा होने लगा। यहां ऐसी पार्टी आएगी, केजरीवाल जी की राजनीति आएगी, तो यहां भी जनता का पैसा फाइव स्टार होटलों में बर्बाद नहीं हो। यहां की जनता इस बात को बहुत अच्छे से देख रही है कि उनके साथ। हाँ, मैं जवाब देता हूँ इसका। एक तरफ उनके भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस थी, जो या तो चुनाव लड़ने से पहले उसको खरीद लेते थे, और जो चुनाव लड़ने से पहले फिर भी जीत जाते थे चुनाव लड़के कांग्रेस से, उनको चुनाव लड़ने के बाद खरीद लेते थे। अब बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, और आपको याद होगा दिल्ली में जब 28 सीटें थी हमारे पास, 36 सीटें चाहिए थी, कांग्रेस बीजेपी के पास 32 सीटें थी, आम आदमी पार्टी के एक भी आदमी को नहीं तोड़ पाए थे ये लोग। बहुत कोशिश की थी इन्होंने, इनको बस 4 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, एक भी आदमी को नहीं तोड़ पाए थे। यही केजरीवाल जी की टीम का जलवा है।